राधे राधे, माई सेल्फ शीतल भाटी फ्रॉम RUHS नर्सिंग कॉलेज। आज अपन MSN की सीरीज के अंदर रेस्पायरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम की इंपॉर्टेंट डिजीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या। एक ये क्रॉनिक रेस्पायरेटरी डिजीज़ है, मतलब क्रॉनिक है, एक्यूट नहीं। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से होने वाली डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है लंग्स की, जो लंग्स की मेनली पैरेन्काइमा है उसको इन्फेक्ट करती है। देन ये पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज़ में रहने वाले लोगों को, ओवरक्राउडिंग वाले या जिनकी लो इम्यूनिटी है उन लोगों को ज़्यादा कॉज होती है, जहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। देन उसके बाद अपन देखते हैं कि ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्यूबरक्लोसिस और ट्रांसमिटेड होती है मेलेंजीज में, किडनी में एंड लिफ नोट्स में भी आगे जा सकती है। और ट्यूबरक्लोसिस अगर एक बार हो जाए तो अपन को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये आगे भी रिकरेंट हो सकती है। उसके बाद अपन ईटियोलॉजी देखते हैं। इसके अंदर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये कॉज होती है, और जो उन लोगों को लो इम्यूनिटी होती है, ओवरक्राउडिंग होती है, क्लोज कॉन्टैक्ट इंफेक्टेड पर्सन है, उन लोगों को ये इसकी ईटियोलॉजी कॉज होती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। देन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है कि ये इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के अंदर फीवर चिल्स तो कॉमन रहते हैं। एक इन्फेक्शन और एक इन्फ्लामेशन, इसके अंदर फीवर चिल्स, पेन, नौशा, वॉमिटिंग, ये नॉर्म कॉमन सिम्टम्स हैं किसी भी डिजीज़ के। देन ये कफ, चेस्ट पेन, ये इसके अलग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। देन इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसने इंफेक्ट किया बॉडी को, इंफेक्ट करने से वो ट्रांसमिटेड हुआ अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक के द्वारा, ये एल्वोलाई में गया, एल्वोलाई के अंदर ये मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने की वजह से अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसने रिस्पॉन्स दिया, जिसके अंदर लिम्फोसाइट से वो रिस्पॉन्स करेंगे, उसने उसके जो डिस्ट्रॉय किया, जो भी बेसिलाई है, जो भी स्टिमुलाई, उसको डिस्ट्रॉय किया, जिसकी जैसे जो भी एग्जुडेट हुआ बना वो एल्वोलाई के अंदर फंस गया और उसने इन्फेक्शन कॉज किया। देन उसकी अपने देखते हैं डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन है कि हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, कोई भी डिजीज़ हो A to Z, उसके अंदर ये दो कॉमन तो डायग्नोसिस होते ही होते हैं। देन उसके बाद आते हैं स्पूटम कल्चर, चेस्ट एक्सरे, मोंटेस टेस्ट। मोंटेस टेस्ट ये कंफर्मेशनल टेस्ट है TB का, जिसके अंदर 0.1 ml बेसिलाई अपन इंटरडर्मली इंजेक्ट करते हैं, जो कि 6 to 10 mm एलिवेटेड करेगा स्किन को। देन अपन 48 से 72 घंटा 48 to 72 आवर्स के बाद अपन देखेंगे कोई भी डिलेड रिएक्शंस है, तो इसका मतलब टीबी की बैसिलाई अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। देन इसके बाद आता है अपना मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आते हैं मेडिकल, जिसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी मैनेजमेंट वो होता है, प्राइमरी एजेंट्स वो होते हैं जो कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो इफेक्ट वो तो ज़्यादा डालेंगे और लो टॉक्सिसिटी करेंगे, टॉक्सिसिटी ज़्यादा नहीं करेंगे, जिसके अंदर आइसोनेजाइड, रिफामसिम, एम्ब्यूटोल एंड स्टेपोमाइसिन। एंड सेकेंडरी एजेंट तब दिए जाते हैं जब प्राइमरी एजेंट से वो रेजिडेंट हो जाए बॉडी के अंदर, और जो सेकेंडरी होते हैं वो टॉक्सिसिटी तो ज़्यादा करेंगे और एंटी ट्यूबरक्लोटिक इफेक्ट कम कॉज करेंगे, और जिसके अंदर कैनामाइसिन, कैप्रोमाइसिन, साइक्लोसरीन। देन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है कि उसको जो भी पेशेंट है वो मतलब कि जो अच्छी जगह साफ़ सुथरी जगह नहीं उसकी वजह से कॉज हो रहा है, तो जो भी गुड हैंड वॉशिंग है, पर्सनल ओरल केयर है, पर्सनल हाइजीनिक है, उसका उसके बारे में टीच करना है पेशेंट को। देन मेंटेन स्टेराइल सक्शनिंग टेक्निक। सक्शनिंग इस वजह से होगा क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो लंग्स है, लंग्स के अंदर कफ जम रहा है, कफ जमेगा तो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, इसलिए इन्फेक्शन से बचाने के लिए अपन को सक्शन करना पड़ता है। देन जो भी विजिटर्स हैं उनको मेंटेन रखना है। उसके बाद डायग्नोसिस आएंगे इसके कि कफ जम रहा है, तो कफ जमने की वजह से जो एयर वे है वो क्लियर नहीं है, बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो पहला इसका डायग्नोसिस आया इन इफेक्टिव एयर वे क्लियरेंस रिलेटेड टू थिक ब्लडी स्पूटम। देन सेकेंड है कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू फटीग एंड एनोरेक्सिया। एंड थर्ड है डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। एंड फोर्थ एंजाइटी रिलेटेड टू मिसकंसेप्शन, कि लोगों में ये मिसकंसेप्शन होता है कि टीबी क्यूरेबल नहीं है। ऑफकोर्स टीबी इज़ ए क्यूरेबल, पर उसका पूरा मेंटेन रखना पड़ता है अपन को ट्रीटमेंट, जिसके अंदर अपन डॉट भी देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी, जो टीबी को एकदम, जो नर्स है, जो भी नर्स है वो पेशेंट के एक एक दवाई का ध्यान रखेगी कि वो की दवाई ले रहा है या नहीं ले रहा है एकदम टाइम पे, तो उसकी वजह से टीबी सही हो सकता है। देन दूसरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है COPD।
क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसकी डेफिनेशन है कि इट रेफर्स टू एयरवे लिमिटेशन, जो भी एयर फ्लो है उसके अंदर लिमिटेशंस हो जाती हैं, फुली रिवर्सिबल डिजीज़ नहीं है ये। इसके अंदर दो मेन डिजीज़ होती है, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसियम। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस देते हैं, तो ब्रोंकाइटिस के अंदर ब्रोंक मतलब ब्रोंकल, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो ब्रोंकियल्स और ट्रैकिया की जो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे अपन ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जिसको अपन ब्लू ब्लॉटर्स भी नाम देते हैं। देन इसके बाद दूसरी डिजीज आती है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो होती है, जो एयर स्पेसेस ऑफ एलवोलाई है उनके अंदर डिस्टेंट हो जाना, उनका जो एयर स्पेस है वो भर जाना एबनॉर्मली, और जिसकी वजह से जो एलवोलाई वॉल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय और ख़राब हो जाती है, और इसका एक और नाम होता है जिसे अगर पिंक ब्लफर्स कहते हैं। देन इसकी इटियोलॉजी है स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल एयर पॉल्यूशन, हीरेडिटी में जो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अपन को COPD होता है, एंड इन्फेक्शन जो स्टेपोकोकल इन्फेक्शन है, मायोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये आगे जाके COPD कॉज कर सकते हैं अपन को। देन इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, एलर्जेंस है, उनने बॉडी को रिएक्ट किया, जिसकी वजह से जो ब्रोंकियल्स है उन्हें इन्फ्लामेशन हुई, इन्फ्लामेशन की वजह से म्यूकस सिक्रेशंस बढ़ी और उसने ब्रोंकाइटिस किया, और ब्रोंकाइटिस अगर लॉन्गर समय तक, ज़्यादा समय तक रही तो उसने एल्वोलाई की वॉल्स को डिस्ट्रॉय किया, और जिसकी वजह से अपन को एम्फाइसीमा हो गया। देन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो कॉमन तो है कि कर्व्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साइनोसिस, चेस्ट टाइटनेस, ये तो कॉमन है, और इसके अंदर एक मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है बैरल चेस्ट। देन इसके आगे डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस। आर्टेरियल ब्लड टेस्ट गैस में अपन आर्टेरियल ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितना CO2 प्रेजेंट है, कितनी अदर गैसेस प्रेजेंट है, और जिसके अंदर ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाएगा। देन स्पूटम कल्चर, स्पायरोमेट्री, देखते हैं कि अपन कितना लंग्स एक्यूरेटली एयर को एब्जॉर्व कर रहे हैं। देन उसके बाद अपन चेस्ट एक्सरे करेंगे। इसका मेडिकल मैनेजमेंट है ब्रोंकोडायलेटर्स, कि कफ की वजह से जो ब्रोंकल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से अपन ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, जिसके एग्जांपल है सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, और इसके एंटी कोलोनोजेनिक भी देते हैं, इसी का एक पार्ट होता है जिसके अंदर इप्राट्रोपियम सोडियम हो गया, एट्रोपिन हो गया। देन एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, और ऑक्सीजन थेरेपी कि उसके अंदर कफ जम रहा है, लंग्स अच्छे से प्रॉपरली ब्रेथ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई, हाइपोक्सिया में बॉडी जा सकती है, साइनोसिस हो रहा है, इसलिए अपन उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे पेशेंट को। देन इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट है ब्लेबक्टॉमी, जो भी एक्स्ट्रा एयर स्पेसेस है उनको रिमूव करना। उसके बाद है नाइसिन डायग्नोसिस, जो मैनेजमेंट है वो तो सेम ही रहेगा नॉर्मली ज़्यादातर सभी में। उसके बाद डायग्नोसिस है कि इम्पेयर गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिग्री वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज है वो अच्छे से नहीं हो पा रही। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। देन अपनी थर्ड इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है अस्थमा। अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवे, जो भी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है एयरवेज़ की, और जिसके अंदर एयरवे को हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस बना देता है, म्यूकोसल इडीमा करता है, म्यूकस प्रोडक्शन कॉज करेगा। इसकी इटियोलॉजी एनवायरमेंटल के अंदर टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। दूसरा, अस्थमा ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब विंटर्स के अंदर, जो अस्थमा पेशेंट है उनको विंटर्स के अंदर हमेशा हॉट थेरेपी लेनी चाहिए, बिकॉज विंटर्स में अस्थमा ज़्यादा ख़राब हो जाता है। देन एटमॉस्फेरिक हो सकती है, एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस के अंदर अपनी कोई भी बॉडी है वो एक पर्टिकुलर एलर्जेंस की वजह से स्टिमुलेट हो जाती है, स्ट्रेस हो गया। एंड टाइप्स होते हैं एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक को जो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है, जो चाइल्डहुड से ही रहती है, और इंट्रेंसिक को अपन एलर्जिक कॉज भी कहते हैं। इंट्रेंसिक के अंदर आती है नॉन एलर्जिक कॉज, जो अपनी इरीटेंट्स के द्वारा टिगर्ड होती है। एंड पैथोफिजियोलॉजी के अंदर कोऑर्डिनेट करेंगे पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम ने तो एसिटाइल कोलिन को रिलीज किया, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो, वहीं SNS ने स्टिमुलेट किया अल्फा रिसेप्टर्स को, जिसने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन किया। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कफ, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, SOB, म्यूकस प्रोडक्शन, अटैक ऑफ अस्थमा, कुछ देर के लिए, कुछ मिनट और घंटों के लिए अस्थमा का अटैक हो सकता है, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो स्टेटस एस्मेटिकस होती है, जो अपन को कॉज हो जाती है, और हाइपोजीमिया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, टैकीकार्डिया हो सकता है।
देन उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, ABG, चेस्ट एक्सरे, अस्कलेशन ऑफ बैर्ट साउंड्स को अस्कलेट करेंगे एंड स्पायरोमेट्री। देन मैनेजमेंट आएगा इसका ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर वही एग्जांपल सालबुटामोल, टर्बुटल, इंफोमेटरॉल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है जिसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन्स आ जाएंगे। ल्यूट्रोकाइंस है जो ल्यूट्रोकाइंस को ब्लॉक्स करेंगे जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन के लिए और एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिव होते हैं। मास सेल स्टेबिलाइजर्स जो मास सेल्स को ब्लॉक करेंगे जो एलर्जी कॉज नहीं करें। हिस्टामिन के रिलीज को भी कम करेंगे। देन नर्सिंग डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव एयर वे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पास, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू स्पूटम प्रोडक्शन, डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एंड एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। देन अपनी अगली डिजीज है निमोनिया। निमोनिया के अंदर डेफिनेशन हो गई कि ये इन्फ्लामेशन ऑफ लंग। वहीं जो अपना TB है उसके अंदर तो इन्फेक्शन हुआ लंग्स के पैरेन्काइमा, वहीं निमोनिया के अंदर अपना इन्फ्लामेशन हुआ लंग्स का, इसकी वजह से उसको न्यूमोनियाटाइटिस भी कहते हैं। और ये कैटेसाइज होता है कि जो लंग्स है उसके अंदर कंसोलिडेशन हो जाते हैं, एवियोलर एयर स्पेस में कंसोलिडेशन मतलब थिक हो जाते हैं, नेक्रोटाइज हो जाते हैं, एक्जुडेट भर जाती हैं एल्वोलाई में। देन इसके टाइप है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है जो कम्युनिटी के द्वारा हो या फिर हॉस्पिटल में 48 घंटे के अंदर अंदर जो निमोनिया कॉज होता है उसको अपन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। देन हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है जो सेकेंड टाइप है, उसको नोजोकोमियल निमोनिया भी कहते हैं, जो 48 एडमिशन के 48 घंटे के बाद अगर अपन को निमोनिया कॉज हो रहा है तो अपन उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। जो उसका मेन कॉमन एग्जाम्पल है वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया जो मेनली ज़्यादातर पेशेंट्स को कॉज होता है। देन निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट मतलब कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको निमोनिया होता है, थर्ड टाइप ये। और एक्सपायरेशन कोई भी एंड्रोजीनस एक्जोजीनस को एक्सपायर कर लिया जाता है लंग्स के द्वारा तो उसके अंदर वो फोर्थ एक्सपायरेशन निमोनिया कॉज होता है। देन एटियोलॉजी है कि इसकी बैक्टीरिया की द्वारा कॉज होता है स्टेपिकोकल निमोनिया, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया या इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक फीडिंग जो राइल्स ट्यूब होती है उसके द्वारा फीडिंग की जाती है लोगों को, जो भी पेशेंट बेड रिडन है तो उसकी वजह से उसको ये निमोनिया कॉज हो सकता है जो नॉर्मली वेंटिलेटेड एसोसिएटेड पेशेंट्स को होता है। उसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन हुई, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स जो एक्टिवेट हुए उन्होंने माइग्रेट किया एल्वोलाई तक, एल्वोलाई तक माइग्रेट करने के बाद उन्होंने म्यूकल से सीक्रेशन इडीमा कॉज करी और उसके बाद जो एल्वोलाई वो ऑक्लूड हो गए मतलब कि ऑक्लूजन्स प्रेजेंट हो गए और ऑक्सीजन की कमी हो गई जिसकी वजह से हाइपरवेंटिलेशन कॉज हुआ। देन किडनी का मैनिफेस्टेशन है कि फीवर, चिल, स्वेटिंग, चेस्ट पेन, कफ, हीमोपिटेसिस, हीमोपिटेसिस मतलब वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आ जाना एंड साइनोसिस। जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज है उनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन सेम ही होते हैं ज़्यादातर। देन डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्पूटम कल्चर, ब्रोंकोस्कोपी, ABG एंड ब्लड टेस्ट। देन मेडिकल के अंदर आ जाता है अपना निमोनिया के अंदर अपन वैक्सीन देते हैं जो PCV13 वैक्सीन अपन देते हैं पेशेंट्स को। देन एंटीबायोटिक थेरेपी होती है जिसमें रेथोमाइसिन, सेफेलोस्पोरिन जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कम करें, ब्रोंकोडायलेटर्स की ब्रोंकोसोडायलेट एंड एनाल्जेसिक जो भी चेस्ट पेन है, प्लूराइटिक पेन है उसको कम करने के लिए अपन एनाल्जेसिक्स देते हैं। देन नर्सिंग डायग्नोसिस अपने हो गया इनइफेक्टिव एयर वे क्लियरेंस रिलेटेड टू एल्वोलर इन्फ्लामेशन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू इम्यूनोसप्रेशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन।